फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को तो बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा कहीं पे, क्योंकि तुमको तो पता ही है मेरे वर्ल्ड में कहीं पर भी डेजर्ट का कोई नामो निशान है। तो फिर यहाँ पे 2000 ब्लॉक्स दूर आने के बाद ना आई थिंक मेरे को यहाँ पे एक पोर्टल बना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ज्यादा चांसेस रहेंगे एक डेजर्ट ढूंढने के लिए। अब चलो देखते हैं ये पोर्टल हमको कहाँ लेके जाता है, क्योंकि तो मैं स्नोई बायो में आ चुका हूँ, जो कि तुम देख सकते हो कितना ज्यादा दूर है हमारे घर से, ऑलमोस्ट 15,000 to 16,000 ब्लॉक दूर आ चुके हम। यहाँ पे मेरे को लगता है यार डेजर्ट मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे मेरे, और हमारे गोल्डन एप्पल ढूंढने के भी चांसेस ज्यादा होंगे। यार तुम जैसे कि देख सकते हो ये ना न्यू लैंड्स जो है लोड हुए हैं, तो भाई 1.18 के क्या माउंटेंस, कितने बड़े बड़े यार, कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये वर्ल्ड मेरा, पहली बार देखने में मेरे को मजा आ रहा है इस वर्ल्ड को। एंड लुक मेरे को अभी अभी क्या मिला यार, मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पे अपना घर बना लेना था, कितना ज्यादा खूबसूरत लगेगा ये। लेकिन हमारा वर्ल्ड तो तुम जानते हो 1.16 का वर्ल्ड है, तो हम वो तो नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन तुम देख सकते हो यार, एक बार ना फ्यूचर में हम जरूर ऐसे जगह पे आएंगे और अपना ना एक न्यू स्टार्टर बेस एंड ऑल बनाएंगे, क्या कहते हो तुम लोग। वैसे हमारे पहले डेजर्ट टेंपल में हमको कोई भी नॉच एप्पल नहीं मिला, और इस वाले रुइन पोर्टल के अंदर ओके नॉच एप्पल तो नहीं मिला हमको, लेकिन एक छोटा सा गोल्डन एप्पल जरूर मिल गया है। और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो मेरे को वो नॉच एप्पल नहीं मिला, तो यहाँ पे हम एक नेदर पोर्टल बना रहे थे ताकि मैं ज्यादा दूर जाकर ट्रेवल कर सकूं। और लेकिन तुम देख सकते हो जैसे ही मैंने नेदर पोर्टल से बाहर कदम रखा, मैं एक बैस्टियन में स्पॉन हुआ था, और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। वो तो मेरे इलाइट्रा के स्किल्स को मैंने कैसे भी यूज करके अपने आप को बचा लिया। एंड इस वाले बैस्टियन में देखते हैं मेरे को एक नेदरराइट का इंगट मिल गया, लेकिन कोई भी नॉच एप्पल अभी भी नहीं मिला, तो हमारा अभी भी जर्नी चालू है। आई थिंक यहाँ पे पोर्टल बनाना बिल्कुल सही रहेगा। और तुम देख सकते हो जैसे मैं बाहर निकला एक केव के अंदर फंस चुका हूँ यार, इतने दूर आने के बाद भी ना मेरे को नॉच एप्पल नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली मेरे को एक्चुअल में एक रुइन पोर्टल के अंदर से नॉच एप्पल मिल गया। भाई मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। यार जो तुम देख रहे हो ना, मैंने ये क्यूब बनाया था गोल गोल, जिसमें मैंने पानी भरने का पहले तो डिसाइड किया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ना कि ऊपर में ना मैं इसमें पूरे लावा भर देता हूँ और इसको नेदर थीम का बना देता हूँ, जिसके लिए मेरे को हमारे ये लावा वाले फार्म में जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बनाया था AFK जाना पड़ेगा। मैंने लावा कलेक्ट करते करने ना मैंने नोटिस किया कि हमारा जो स्टोरेज सिस्टम है बहुत कम है और हमारा लावा ऑलरेडी फुल हो चुका है। बट फाइनली तुम यहाँ पे देख सकते हो मैं 3 stacks, 3 shulker box फुल लावा यहाँ पे कलेक्ट कर लिया हूँ। बस अब यहाँ पे मैंने जितने भी ग्लास लगाए थे ना इसको तोड़ देता हूँ, क्योंकि अब मेरे को सेपरेशन का जरूरत नहीं है। और यार मैं ना हमेशा कोऑर्डिनेट्स भूल जाता हूँ और मैं स्क्रीनशॉट बार बार ले नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे बुक में पूरे अपने कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया है जो भी मेरे इंपॉर्टेंट फार्म्स है उसके। अब मैं यहाँ पे सोल सैंड कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था ना कि यार मेरे को नेदर वॉट का एक फार्म बनाना पड़ेगा। जैसे कि तुम देख सकते हो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे एक नेदर वॉट का पूरा फार्म बनाने के लिए, और इस फार्म को बनाने के लिए मैंने पीछे के पूरे एरिया को क्लियर कर दिया था। और तुम देख सकते हो फिर मैंने यहाँ पे सोल सैंड लगा दिया और नेदर वॉट भी प्लांट कर दिया, ताकि मैं इनको बाद में हार्वेस्ट कर सकूं, इवन दो इनका मेरे को कोई भी काम नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस अगर हमको फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ती है तो हमारे पास बहुत सारे नेदर वॉट रखे हुए हैं। जो मुझे असल में चाहिए था वो है ये नेदर वॉट की ब्रिक्स, नेदर जो भी ये ब्रिक्स है यार, मेरे को ये चाहिए थे जो कि इतने आसानी से मिल जाते हैं। मेरे दिमाग में ना वो रेड वाले जो ब्रिक्स होते हैं ना वो चल रहा था जो कि नेदर वॉट से बनता है, तो बाद में हमारे वो नेदर वॉट काम तो आएंगे, लेकिन अभी के लिए तो ये वाले नेदर वॉट काफी है, नेदर ब्रिक्स। और अब टाइम आ चुका है बिल्डिंग स्टार्ट करने का। देख सकते हो यार हमारा बन के पूरा रेडी हो चुका है, और मैंने शेडर्स ऑन किए, और अब मेरे को लग रहा है भाई दुनिया की सबसे बड़ी गलती की थी मैंने, क्योंकि यार मेरा पीसी बहुत ही ज्यादा हीट अप हो रहा है। लेकिन तुम देख सकते हो बिना शेडर में भी ये कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं जाने वाला कुछ दिनों के लिए AFK, ताकि हम जा सके हमारे नेदर में और वहां जाके हम बहुत सारे TNT फोड़ सके, ताकि हम बहुत सारे एंशिएंट डेब्री माइन कर सके। यहाँ से बस मेरे को बहुत ही लंबा सा एक स्ट्रेट टेक कर देता हूँ, ताकि सारे TNTs को ना मैं एक साथ ही लगा दूं अपने। और तुम देख सकते हो यार कितनी ज्यादा तबाही मच रही है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे डिसाइड किया यार कि ना मैं एक एक करके इसको फोड़ूंगा, क्योंकि यार इससे ज्यादा एफिशिएंट होगा और हमको ज्यादा से ज्यादा एंशिएंट डेब्रिस मिल पाएंगे। और एट द एंड ऑफ आवर ट्रिप हमारे पास इन टोटल आ चुके हैं 36 एंशिएंट डेब्रिस। आई नो तुम लोग सोच रहे होगे यार ये 36 तो बहुत ज्यादा कम है, वैसे तो हमको बहुत सारे मिलने चाहिए थे, लेकिन मेरे पास TNT नहीं थे ज्यादा। हमारा जो पुराना वाला हमारा जो करेंट वाला गन पाउडर वाला
वाला फार्म है ना वो बहुत ही ज़्यादा ना मेरे को इनएफिशिएंट सा लग रहा है। तो मैं ना एक न्यू गन पाउडर फार्म बनाने वाला हूँ जिसको स्कैफोल्डिंग से बनाया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा ईजी भी होता है बनाना। तो इसके लिए मेरे को अपने पुराने वाले गन पाउडर को गन पाउडर वाले फार्म को पूरी तरीके से तोड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ बोलते बोलते हमारा पूरा पूरा गन पाउडर का पुराना वाला फार्म टूट चुका है। और हाँ, मेरे एक्स के ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं मैं तुमको बता दूं, मैं ना बार बार हमारे यहाँ पे रिपेयर करने के लिए आता रहता हूँ अपने एक्सपी फार्म में। और यहाँ पे जब मैं अपने चेस्ट में देख रहा था ना, तब मैंने एक चीज नोटिस की, मेरे पास बैम्बूज की बहुत कमी है, सिर्फ 3 बैम्बूज है और मेरे को बहुत सारे स्कैफोल्डिंग चाहिए। तो मैंने अपने घर के पीछे बैम्बूज को पूरे प्लांट कर दिया और वहां से पूरे बैम्बूज को कलेक्ट कर लिए और बहुत सारे स्कैफोल्डिंग बना लिए। और आई थिंक हम इस वाले ओशन में हमारे फार्म को बना सकते हैं क्योंकि ये बीचों बीच है और ये बहुत ही बड़ा सा ओशन है। अब देखो, तुम टॉप लेफ्ट में देख सकते हो कि मैंने रिप्ले मोड तो ऑन किया था, लेकिन तुम तो जानते हो मैं कितना बड़ा नूब हूं। तो भाई मैंने ना बैड लेन का इनसे रिप्ले मोड को रिकॉर्ड कर रहा था और सारा का सारा मोड मेरा सारा का सारा रिप्ले मेरा क्रैश हो गया और मेरे पास कोई भी रिप्ले नहीं है दिखाने के लिए। तो इसलिए तुमको ये रॉ फुटेज देखनी पड़ेगी। और अब मेरे को बस यहाँ पे एक रेडस्टोन का लीवर लगा देना और हमारा पूरा का पूरा फार्म वर्क करना चालू कर जाएगा होपफुली। अगर ये वर्क नहीं करता है तो यार पानी से हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा स्कैफोल्डिंग से बना हुआ फार्म टूट जाए। और जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, हमारा पूरा का पूरा फार्म अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, पूरा पानी नीचे आ रहा है। बस मेरे को अब नीचे में इन क्रीपर्स के थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि ये लोग गिर के मर जाए और मेरे को अपना पूरा गन पाउडर दे दे। देखो, पहले तो मैंने सोचा ना कि यार नेदर वाला एक सिस्टम बना लेता हूँ जिससे क्रीपर नेदर में आके मरेंगे, लेकिन ये वाला प्लान मेरा फेल हो गया था, इसलिए मैं इसको ओवरवर्ल्ड में बनाने वाला था जहाँ पे वो लोग आराम से मरे। और अगर यार तुमको कोई ऐसे नेदर वाला टेक्निक पता है ना तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एएफके बैठा हुआ था ताकि मैं टेस्ट कर सकूं मेरा फार्म चल रहा है कि नहीं। और भाई जैसा कि तुम देख सकते हो कितना ज्यादा ओपी बन चुका है हमारा ये वाला फार्म, कितने सारे क्रीपर यहाँ पे है। यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत सारे गन पाउडर मिलेंगे अपने को। ओके, तो वो वाला तो मैंने सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए एएफके गया था, अब टाइम आ चुका है असली में एएफके जाने का और देखते हैं हमको कितने सारे गन पाउडर मिलते हैं यहाँ पे। और हैं सिर्फ इतना सा यार आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है हमारे क्रीपर फार्म में। यार मेरे को शायद थोड़े ज़्यादा देर के लिए एएफके जाना पड़ेगा। एएफके यार बाद में चले जाएंगे, वैसे भी इस वाले वीडियो में हम ऑलरेडी एएफके जा चुके हैं, तो एक काम करते हैं लास्ट में भी हम एएफके जाएंगे। अभी के लिए ना ये गन पाउडर को यही रहने देते हैं इस फार्म को और अपन चलते हैं हमारे बाकी का काम करने के लिए। और यहाँ पे तुम देख सकते हो जब मैं घर वापस आया ना तो मेरा इन्वेंट्री और मेरा स्टोरेज कितना ज़्यादा मेस्ड अप है और मेरे पास कोई भी स्टोरेज सिस्टम ढंग का नहीं है। हाँ, ये जो मैंने स्टोरेज रूम बनाया है ये बहुत अच्छा तो है और बड़ा भी है, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है और इसमें मैं अपने सारे सामान को रखता तक नहीं हूँ। एंड हाँ, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। तुम देख सकते हो कि कैसे यार रिप्ले मॉड्स मेरे रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे और मेरे कंप्यूटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसके कारण हमने हमारा वर्ल्ड खो दिया। बेसिकली जब मैं वीडियोज़ को बना रहा था अपने, तो मैंने बहुत सारा डाटा डाउनलोड कर लिया एंड यार मेरा पूरा डिस्क फुल हो चुका था और भाई फॉर सम रीज़न मेरा पीसी क्रैश हो गया। और जब ये क्रैश हुआ तो मैंने अपने मॉनिटर को बंद किया और फिर जब मैंने वापस चालू करने का ट्राई किया तो पता चला कि मेरा विंडोज करप्ट हो गया, जिसका मतलब था कि मेरा सी ड्राइव भी करप्ट हो चुका था, जिसके कारण मेरे को अपने विंडोज को फिर से इंस्टॉल करना पड़ा। और तुम जानते हो माइनक्राफ्ट में सी ड्राइव में रखता हूं तो हमारे सेव फाइल्स उड़ चुके हैं और इस वर्ल्ड का अंत हो चुका है गाइस। लेकिन मैंने कम से कम 600 या 750 डेज का जो गेम प्ले है, जो ये वर्ल्ड है, वो मैंने ना डाउनलोड करके रखा हुआ था और वो मैं कॉन्स्टेंटली ना अपने गूगल ड्राइव में पेस्ट करता रहता था उसको। तो अगर तुम चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी सर्वाइवल सीरीज होने वाली है, होपफुली तुम लोग उसको भी इतना ही लव दो जितना इस वाले सीरीज को दिए हो अभी तक, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। एंड हाँ, मेरे लेट वीडियो आने का भी रीज़न यही है कि यार मेरा पीसी बहुत ही ज़्यादा ना हद से ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इसलिए अभी तो मैंने सब कुछ रीइंस्टॉल कर लिया है तो अभी बहुत स्मूथ चल रहा है। एक SSD भी ख़रीद लिया है मैंने, होपफुली मैं एक और SSD ख़रीद लूँ 1 TB वगैरह की। अभी तो सिर्फ वो सी ड्राइव को इंस्टॉल करने के लिए SSD ले लिया मैंने, तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। और भाई क्या बोलूँ मैं, बहुत दुख तो हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, अपन एक और न्यू सीज़न स्टार्ट करेंगे और उस सीज़न में अपन और भी ज़्यादा उपयोगी चीज़ें करेंगे। अभी तो देखते हैं, होपफुली तुम लोग उसको भी ज़्यादा सपोर्ट करो जैसे इसको किए हो। और क्या कहें अब, चलो मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस।